Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 5.3. Exercise 5.1 and 2 we have already discussed. You can check in playlist. Now let's see question number 1. Find the additive inverse of the following rational numbers. Rational numbers we have given. We have to find out additive inverse. In additive inverse, we will just take the opposite sign of the given rational number. Kaise? 1 by 6 है, तो आप minus 1 by 6 लेंगे, अगर ये minus में होता तो आप इसको plus में लेते, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लो दोनों number आपके पास negative है, तो negative से negative ये cancel हो जाएगा, अब आप इसका sign consider करोगे, कि ये sign हमारे पास क्या है, plus है, तो इसका answer किस में आएगा फिर, negative में, okay, तो इसमें देखते हैं, और ये चीज़ और ध्यान रखना कि जो additive inverse है, उसको और जो number हमें given है, इनको अगर हम add करते हैं, तो हमारे पास हमेशा जीरो आता है। अब ये मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हार्डली आपका 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में होते हैं, ओके, तो ज्यादा इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना जरूरी है। 1/6 इसका आप क्या लोगे, 1/6, लेकिन वो क्या होगा, माइनस में। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं तो माइनस साइन हो जाएगा, जो भी साइन यहाँ पे है उसका आपको अपोजिट लेना है। यहाँ पे क्या है, 9, तो 9 का क्या होगा, -9, ये आप अपने आप से करेंगे। अगर आपको चेक करना है तो एक बता देती हूँ मैं, अगर आपके टीचर ने कराया तो आप करिए, अदरवाइज अगर 1 मार्क्स में आपको करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें गिवन है दैट इज 1/6 और जो एडिटिव इनवर्स है ये -1/6, अगर इन दोनों को आप देखोगे ये प्लस में है ये माइनस में है, सोल्व करेंगे तो 1/6, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा 1/6, और 1/6 -1/6 दैट इज इक्वल टू 0, ओके, ये चेक करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट देखिए, माइनस साइन ये हो गया, -7 है तो -7 में आपको माइनस साइन लेना क्या होगा, ये +7 आ गया, ये आपके पास -2/7 है, -2/7 का ये आपके पास क्या होगा, +2/7 हो जाएगा। देन नेक्स्ट 5/-8, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये माइनस है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, ये आपको कई बार बताया है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसको करना है कि कैसे आया, तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 8। अब इसका आप एडिटिव इनवर्स नोट करिए, दैट विल बी इक्वल टू 5/8, ओके, ऐसे करना चाहो ऐसे करो, अदरवाइज 1 मार्क्स में डायरेक्टली आप देखिए और आंसर टिक करिए। इसमें देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो नंबर वो क्या है, 13/7, मींस एडिटिव इनवर्स 13/7 माइनस में होगा, देन ये माइनस में है तो ये प्लस में आपके पास आएगा, 0 है, 0 का 0 रहता है, क्योंकि 0 को ना हम पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वी हैव गिवन, हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल आपको पता ही है कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। 3 है हमारे पास, 3 का अगर हम लेंगे तो 3/1 आप इसको नोट कर सकते हो, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा 1/3। बच्चे इसमें चेंज करके आते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, जो एडिटिव इनवर्स है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इन दोनों में कंफ्यूज होके, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होता है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करने होते हैं, तो प्लीज़ ये याद रखिए, जब आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को और जो गिवन नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 1 आता है, ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको कैंसिल किया तो ये 1 आ गया, ये करना नहीं है, अगर आपके टीचर ने कराया है तभी करिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेम 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में होता है एग्जाम में, तो ये -4 है, -4/1 दैट विल बी इक्वल टू 1/-4। देन नेक्स्ट 2/9, 2/9 का हमारे पास क्या आएगा, 9/2, 7/3, 3/7 होगा, इसमें आपके पास -3/4 है तो आप इसको -4/3, देन इसमें -8/5, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम
हमारे टीचर ने ऐसे नहीं कराया। तो बच्चे ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होती है, बाकी आप अपने आप कर सकते हो कि माइनस कहाँ पे है, उसको आप चेंज कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय -1 करके। अब इसमें देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 7/6। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें साइन लगाना है, साइन भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये आपके पास है 0 0 का 0 रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम। सम वी हैव टू फाइंड आउट। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डायरेक्ट एड या सब्ट्रैक्ट जो भी गिवन है वो फाइंड आउट करना होता है। सो 1 + 9, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 7 और 1 + 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10/7। अगर डिनोमिनेटर आपके पास डिफरेंट है तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये -11 है। आपको बार बार मैं बोलती हूँ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो ये साइन होता है डिनोमिनेटर में, वो हमेशा न्यूमरेटर में माना जाता है। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 -1 से, तो ये आपके पास क्या आएगा 1/7 प्लस -13/11। ओके, आ गया ये न्यूमरेटर में, इसको आप इजीली कर सकते हो। डिफरेंट होते हैं तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वो एलसीएम आ जाता है, 77 एलसीएम आ गया। 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 × 1, देन प्लस माइनस 7 आएगा जब हम 77 को 11 से डिवाइड करेंगे, और 7 × 13 ये आपके पास आया 11। यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस साइन है। 13 × 7 = 91। अब इसको माइनस कर लेंगे, 1 - 1 = 0, 9 - 1 = 8। अब साइन एक बार चेक कर लेते हैं कि साइन कौन सा होगा। ग्रेटर नंबर 91 है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो ये भी माइनस में होगा। देन 9, 5, बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। अगर दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं, मीन्स कोई भी इसमें कॉमन नंबर नहीं होता, तो आप इसको डायरेक्ट जो एलसीएम लेते हो वो आपके पास 45, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। 45 को 9 से डिवाइड किया तो 5 आया, -8 × 5 प्लस माइनस ऑफ 45/5, 9 × 9 = -3, -40। यहाँ पे प्लस साइन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा, 9 × 3 = 27 / 45। दोनों माइनस में है, अगर दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, तो नंबर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है तब। 7, 6 माइनस में साइन रहेगा / 45। देन 15 and 5, इनमें आप देखोगे कॉमन आपके पास 5 है, तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको ऐसे एलसीएम लेना होगा, ये 5 1 = 5 3 = ये आपके पास एलसीएम कितना आ गया 15। 15/15 1 1 × 11 प्लस माइनस ऑफ 15/5 3 3 × -3, ये क्या है हमारे पास 11 माइनस, ये प्लस साइन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा, 9/15। इधर कर देती हूँ मैं इसको, 11 - 9 / 15। एक प्लस में है एक माइनस में, नंबर को माइनस करेंगे, 2/15। ग्रेटर नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड में साइन प्लस, तो ये भी किसमें होगा, प्लस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 1/7 फ्रॉम 5/7। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये याद रखेंगे कि जो फ्रॉम के राइट हैंड साइड में होता है, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो होता है वो पहले नंबर नोट किया जाएगा। 5/7 -1/7, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 7 एज इट इज रहेगा, 5 - 1, 5 - 1 = 4/7। देन बी पार्ट, फ्रॉम के राइट हैंड साइड में जो वो आपको पहले नोट करना है 3/8 -1/7। बोथ नंबर्स आर को प्राइम नंबर, तो 7 × 8 = 56। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, -3 × 7। जब 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 1 × 8।
माइनस 21 माइनस 8 डिवाइड बाय 56, दोनों सेम साइन है, नंबर्स को ऐड करेंगे, 21 प्लस 8 29 और माइनस में है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। देन सी पार्ट, 9 बाय 10 माइनस माइनस ऑफ 3 बाय 4, ये माइनस में गिवन है तो आप इसको माइनस साइन यूज करेंगे और ब्रैकेट में लेंगे। 9 बाय 10, ये बाहर माइनस साइन है और ये भी माइनस है तो ये माइनस से इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया 3 बाय, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको आप आगे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 और 10 आपके पास है, इसका आपको एलसीएम लेना होगा। 4 एंड 10, 2 2 जा 2 5 जा, देन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10 2 जा 20, डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 9 प्लस 20 डिवाइड बाय 4 5, 5 इंटू 3, 9 टू जा 18 प्लस 15 डिवाइड बाय 20, ऐड करेंगे दोनों सेम साइन है, 13 1 33 डिवाइड बाय 20, अगर इसको मिक्सड में दिया है तो आप मिक्सड में अपने आप से चेंज कर सकते हैं। देन डी पार्ट, माइनस 3 बाय 8 माइनस 1 बाय 7, ओके, इसमें भी सेम आपको डिफरेंट है, 56 हो गया एलसीएम, 56 डिवाइड बाय 8 7, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 58 को 7 से डिवाइड करेंगे, 8 8 इंटू 1, माइनस 21 माइनस 8 डिवाइड बाय 56, क्या मैंने सेम क्वेश्चन नोट कर दिया क्या, ये नहीं, ये बुक में ही सेम दिया है तो आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा, सेम है ये क्वेश्चन, ओके, ये नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 8 सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 एंड 9 8 जा दैट इज इक्वल टू 0। देन इसमें देखिए माइनस 3 बाय 11, ये ब्रैकेट में आपके पास, तो माइनस को हम यहाँ पे लेते हैं, कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस जो आपके पास न्यूमरेटर है वो कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये आपके पास क्या है, माइनस 3 बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस साइन आएगा, 8 टू जा 16 प्लस 5 21 बाय 8। अब इसमें अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते, लेकिन कैंसिल कैसे करना है आपको, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर करना होता है, ये न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3 3 टू जा 6 63 डिवाइड बाय 88। देन सी पार्ट, इसमें भी आपको सेम करना है, 63 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 25 डिवाइड बाय 63, देन मल्टीप्लाई बाय माइनस 23 डिवाइड बाय 25, 3 3 जा 9 6 3 जा 18 प्लस 25 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय माइनस 23 बाय 25, इनको ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 5 14 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 1 214 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय माइनस 23 बाय 25। अब इसको मल्टीप्लाई मैं कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आंसर, दैट विल बी इक्वल टू 4000, माइनस में होगा देखो ये, क्योंकि एक माइनस है यहाँ पे, 4922 डिवाइड बाय 1575। देन नेक्स्ट डी पार्ट, इसमें डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में आप वन ले सकते हो, अदरवाइज आपको पता है इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, 13 6 78
सेवन 200 डिवाइड बाय 208 डिवाइड बाय 27, दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड। डिवाइड में एक रूल आपको पता होना चाहिए कि जो डिवाइड के राइट हैंड साइड में नंबर होता है इसका आपको रेसिप्रोकल करना होता है, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। 7/9 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 27/14। ओके, अब 7 1 7, 7 2 14, 9 1 9, 9 3 27, और आंसर इज 3/2। ओके, ये कैंसिल कर लेना है आपको। देन इसमें देखिए, 13 2 26 प्लस 11/13 डिवाइड बाय 13/11, इसको कर लेते हैं 7 3 37/13, डिवाइड विल चेंज इन टू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 13/11 विल बी 11/13। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 11 7 77, 11 3 33 प्लस 7 40 डिवाइड बाय 13 स्क्वायर इज 169। देन सी पार्ट, -8/9 डिवाइड विल चेंज इन टू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज -27/16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 8, 8 2 9 1 9, 9 3 जा दैट इज इक्वल टू 3/2। देन नेक्स्ट डी पार्ट, -4/25 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 8/17 इज 17/8। अगर इसमें कुछ कैंसिल होता है देख लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, और आंसर विल बी -17 डिवाइड बाय 25 2 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंकित रीड्स 1/3 ऑफ अ स्टोरी बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 1/4 ऑफ द बुक ऑन द सेकेंड डे, वट पार्ट ऑफ द बुक इज येट टू बी रेड बाय अंकित। एक स्टोरी बुक है, उसको फर्स्ट डे में अंकित कितना रीड कर रहा है, 1/3 ऑफ द बुक, बुक कितनी है, 1 है आपके पास, यानी 1/3 कर रहा है, तो ये 1/3 हो जाएगा। एक बुक है तो इसको आप इक्वल टू लिख सकते हो 1/3, और ये 1/4। अब आपको ये बताना है, द पार्ट ऑफ द बुक इज येट टू बी रेड बाय अंकित, कि कितना पार्ट अभी बचा हुआ है जो अंकित को पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास एक बुक है, बुक में से अगर इन दोनों को आप फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो रीड की थी उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये बुक थी, दोनों को हमने ऐड किया फर्स्ट और सेकंड डे में कितनी रीड की है, ठीक है, उसको बुक से माइनस कर दिया, तो ये आपके पास क्या आएगा कि जो पार्ट बचा हुआ है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12, 12 को 3 से डिवाइड किया दैट इज इक्वल टू 4, प्लस 4 को 12 से डिवाइड किया 3, 3 into 1 3, 1/1 माइनस 7/12। अब इसको इजीली आप कर सकते हो, 12 विल बी एलसीएम, 12 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 12, 12 into 1 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/12, दिस इज आर आंसर। ओके, इन लास्ट वी विल नोट डाउन 5/12 ऑफ द बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इक्वल टू 18/35 इफ वन ऑफ देम इज -2/5, फाइंड द अदर नंबर, अदर नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। सो क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट द अदर नंबर इक्वल टू एक्स, ये हमने एक्स लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट याद मत करिए कि ये दिया है तो ये करेंगे, ये दिया है तो, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करिए। वन नंबर एक्स, प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर किया, इसको वाई लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई और एक्स फिर सेम दिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया जो नंबर गिवन था -2/5, देन वी आर गेटिंग 18/35। ये हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 18/35, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें देखिए, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, डिवाइड बाय -2/5।
y will be equal to 18 by 35 multiply by reciprocal करेंगे minus of 5 by 2. अगर कुछ cancel होता है तो cancel कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 9 जा 5, 1 जा 5, 7 जा that is equal to minus of 9 by 7. In the last we will note down the other number equal to minus of 9 by 7. Now question number 9. Tina, Ria and Irfan went out for lunch in a restaurant. Tina paid 1 by 4 amount of the bill and Irfan paid 1 by 3 of the bill. Ria paid the remaining bill. What part of the bill was paid by Ria? आपको बताना है कि टीना और इरफान ने अगर 1 by 4 और 1 by 3 respectively paid किया है तो रिया ने कितना पे किया. तो इसके लिए हम क्या लेंगे, बिल हमारे पास एक है तो 1 माइनस इन दोनों को ऐड करके जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7 में सेम ऐसे ही करना है ये हमें. दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम लेंगे 12 डिवाइड बाय 4 3 एंड 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4 4 प्लस 3 7 बाय 12 डिवाइड बाय 1 12 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 1 1 इनटू 7 7 दैट इज इक्वल टू 5 बाय 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अनिल स्पेंट 1 बाय 4 ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 2 बाय 5 ऑन अदर एक्सपेंसेस एंड डोनेटेड 1 बाय 6 ऑफ हिज मंथली इनकम फॉर द एजुकेशन of orphan children. If he was left with rupees 10,000, find his monthly income. Monthly income आपको find out करनी है तो उसको हम let कर लेते हैं. Let monthly income of Anil equal to rupees Y. ये हमने लेट किया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि अनिल स्पेंट ऑन फूड, फूड पे क्या किया 1 by 4 ऑफ हिज मंथली इनकम. तो ये मींस ये क्या हो गया 1 by 4 Y हो गया क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इनकम से. तो ये क्या होगा 2 by 5 Y और ये आपके पास क्या होगा 1 by 6 Y. ओके अब ये किस में आ गया, ये आपके पास सारा रुपीज में आया है, ये सारे आपके पास रुपीज में है. ठीक है ये ध्यान रखेंगे आप. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जो उसकी मंथली इनकम है दैट इज इक्वल टू वाई, ये किस किस के इक्वल है. अब जो जहां पे स्पेंड किया है उनको हम ऐड कर लेते हैं 1 बाय 4 वाई प्लस 2 बाय 5 वाई प्लस 1 बाय 6 वाई एंड प्लस 10,000. ठीक है ये टोटल और जो उसके पास बचे हैं वो भी हम ऐड करेंगे तो ये सारे मिला के उसकी मंथली इनकम के इक्वल है. अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे हम इसका. एक काम करते हैं इनको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं और उधर रहने देते हैं फिर हम. तो माइनस 1 बाय 4 वाई माइनस 2 बाय 5 वाई माइनस 1 बाय 6 वाई इक्वल टू 10,000. अब इसमें एलसीएम लेते हैं 4 5 एंड 6 का 2 से किया 2 3 जा सॉरी 2 2 जा एंड 2 3 जा उसके बाद सारे डिफरेंट है 5 2 जा 10 10 3 जा 30 2 जा 60. इसको ब्लैक से करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने क्या नोट किया है. यहाँ पे 1 है, 1 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा. ये आपके पास आया 60y माइनस 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा 15y. 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा 12 लेकिन यहाँ पे 2 भी है 12 इंटू 2y. देन 60 को 6 से डिवाइड किया तो 10 आया माइनस 10y इक्वल टू
10,000। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आया 60। ये सारे हम माइनस है जो इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि सेम साइन है। 15, ये 24 और ये 10, 15 10, ये आपके पास 25 हो गया, और 25 24, तो ये 49 आ गया। 49y बाय 60 इक्वल टू 10,000। इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो ये 11 आएगा, 11y बाय 60 इक्वल टू 10,000। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहां पे सोल्व कर देते हैं, y विल बी इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 11। सो y विल बी इक्वल टू 1,2,3,4,5,0 आ जाएगी, 6 लाख डिवाइड बाय 11, 11,5 जा 55, देन 5,0, 11,4 जा, देन अगेन ये रिपीट होता जाएगा आपके पास, डेसिमल में आएगा फिर 4,5,4,5, ये इस तरह से आएगा। अब जब आप इसकी इनकम लोगे तो इनकम में आपको क्या करना है, इसको राउंड फिगर में लेना है। ओके, तो जब आप राउंड फिगर में लोगे तो आपके पास ये आएगी 54,545। मीन्स जो ये पैसे वाली, ये हम लीव कर देंगे, तो यहाँ पे आप नोट कर दोगे मंथली इनकम ऑफ अनिल इक्वल टू 54,545। ओके, रुपीस भी लगाना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।